वेलकम टू माय चैनल टेक बाय एसपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं यूपी स्कॉलरशिप के बारे में कि आपका यूपी स्कॉलरशिप को फॉर्म को कैसे भरेंगे और उसी के बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट देखिए और उसमें हम चर्चा करेंगे कि आपका स्कॉलरशिप का जो भी पोर्टल है वो कब तक खुलेगा और कब से आपका रजिस्ट्रेशन और रिन्यूअल फ्रेश कब से स्टार्ट हो जाएगा। तो आज का वीडियो हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लास्ट देखिएगा और वीडियो को अगर रिसीव करते हैं तो कुछ वीडियो समझ में नहीं आएगा और फालतू का आप लोग कमेंट करेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप रजिस्ट्रेशन को अगर मान लीजिए स्टार्ट हो जाता है तो आप रजिस्ट्रेशन को कैसे करेंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो हमको रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ सर्च बार पर आपको सर्च करना है यूपी स्कॉलरशिप। तो हमको यूपी स्कॉलरशिप सर्च कर लेना है। तो नेटवर्क थोड़ा स्लो है तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा क्योंकि थोड़ा मौसम आज ख़राब है तो इसलिए नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। उससे क्या होगा, जो भी हमारा वीडियो अपलोड होगा तुरंत आप तक पहुँच जाएगा। तो जैसे यहाँ देखिए यूपी स्कॉलरशिप का ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ गया और हम यहाँ जो फर्स्ट वाला ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। और क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, तो कुछ और इंटरफेस खुलेगा। सबसे मेरा एक ही रिक्वेस्ट रहता है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और जैसे इस तरह का ऑफिशियल वेबसाइट आप लोगों के सामने खुल के आ जाएगा तो आप लोग को अब क्या करना है और नीचे की ओर आना है और यहाँ देख सकते हैं आप लोग दिया गया है थ्री आइकन। यहाँ पर थ्री आइकन जो दिखाई दे रहा है इस पर हम क्लिक करेंगे। तो जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ देखिए स्टेटस रिपोर्ट, यहाँ देखिए डिपार्टमेंट, यहाँ देखिए इंस्टीट्यूट और यहाँ देखिए स्टूडेंट। तो हमको क्या करना है, स्कॉलरशिप को रजिस्ट्रेशन करना है और फ्रेश या रिन्यूअल जो भी है डिग्री को हमको भरना है। तो हमको इसको भी नहीं करना है टच, इसको भी नहीं टच और इसको भी नहीं और इसको भी नहीं, इन चारों ऑप्शन को हमको टच नहीं करना है। हमको टच कहाँ करना है, यहाँ पर टच करना है। तो हम यहाँ पर टच करेंगे, तो इस प्रकार हम इस पर टच करेंगे और देखिए यहाँ पर दिया गया है रजिस्ट्रेशन, फ्रेश लॉगिन, रिन्यूअल लॉगिन। तो अगर आप रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो ना इसको टच करना है ना इसको टच करना है, अभी सिर्फ इसी को टच करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। तो जैसे इस पर हम क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा ऐसे लोडिंग होगा, वीडियो में अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। क्योंकि नेटवर्क थोड़ा स्लो चल रहा है। दोस्तों फाइनली देखिए इस प्रकार से अभी इंटरफेस कुछ यहाँ ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आपको क्या करना है, काफ़ी टाइम लगा इसको खुलने में और अभी भी साइट ओपन नहीं हुआ है। तो देखिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा और हम बात करते हैं, देखिए यहाँ दिया गया है प्री मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक फ्रेश, पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट और यहाँ पोस्ट मैट्रिक अदर देन फ्रेश और यहाँ देखिए पोस्ट मैट्रिक अदर देन अदर स्टेट फ्रेश। और यहाँ भी देखिए, यहाँ देखिए एक कैटेगरी दिया गया है एससी एसटी जनरल और यहाँ दिया गया है ओबीसी कैटेगरी और यहाँ देखिए दिया गया है अन्य कैटेगरी के जो भी होते हैं, बहुत सी कैटेगरी हैं। तो आप जिस भी कैटेगरी के हैं तो आप मान लीजिए आप एससी के हैं तो ये सबको आपको क्या करना है,
एक कैटेगरी आपको नहीं करना है और ना ही एक कैटेगरी करना है। तो इस कैटेगरी में आप मान लीजिए SC के हैं और प्री मैट्रिक यानी कि क्लास 9th और 10th के स्टूडेंट हैं, तो हमको इस पर भी नहीं क्लिक करना है। तो हमको कहाँ क्लिक करना है, यहाँ पर जो दिया गया है यहाँ इस पर हमको क्लिक करना है। ठीक, तो हम ऐसे क्लिक करेंगे तो कुछ थोड़ा इससे का लोडिंग लेगा। तो यहाँ देख बताइए दिखा रहा है लास्ट डेट इनते यानी कि इस साल अभी जो है 23 और 24 की बात करें हम तो फाइनली अभी जो है पोर्टल चालू नहीं हुआ है। तो पोर्टल अभी चालू नहीं हुआ है तो इसी नाते यहाँ पर दिखा रहा है लास्ट डेट द एंड। तो इस प्रकार आप जैसे यहाँ अगर जो जैसे अब ओपन हुआ है तो जैसे जब ओपन होगा तो इस तरह का नहीं दिखाएगा, लास्ट डेट द एंड नहीं दिखाएगा। आपका जो है आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा और वहाँ पर आपको अपना एड्रेस और कितने मतलब जो भी आपका डिटेल्स रहेगा उस डिटेल्स को फिल करना है और फिल करने के बाद सबमिट कर देना है। और जैसे आप सबमिट कर देंगे तो आपको फिर क्या करना है, यहाँ जो है बैक आ जाना है और बैक आने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ मान लीजिए हम रिटर्न टू आ जाते हैं और सॉरी सॉरी वीडियो में थोड़ा सा बने रहिए। तो काफ़ी ज़्यादा खुलने में इसको प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसी प्रकार से आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और जैसे आप रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको वहाँ दिया जाएगा फ्रेश और लॉगिन पर जाएंगे तो वहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ है और मांगेगा तो वहाँ पर करके कैप्चर कोड को फिल करके जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे लॉगिन करेंगे तो आपके सामने और भी इंटरफेस आएगा, उसको भर लेना है। और भरने के बाद और बात करते हैं हम फाइनली जो मेन इंपॉर्टेंट बात है आपका रजिस्ट्रेशन और कब से चालू होगा। तो रजिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आज आपका है 7 अगस्त यानी कि 7 अगस्त आपका है। तो 7 अगस्त मान के चलिए 7 + 3 यानी कि 10 = 10 यानी कि 10 अगस्त से आपका जो है संभावना है कि आपका रजिस्ट्रेशन UP स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि बात हम करते हैं तो 10 या 12 अगस्त को से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत ही जल्द यानी कि अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। बहुत से सारे स्टूडेंट घबरा रहे हैं कि क्या कहते हैं कि बहुत से यूट्यूबर का वीडियो देख के घबरा रहे हैं कि जो है रजिस्ट्रेशन हो रहा है फॉर्म भरा रहा है। तो अभी फिलहाल फाइनली अभी भरा नहीं रहा है यानी कि 10 या 12 के बाद ही आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म जो है भराएगा। तो वीडियो अच्छा लगे है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं, धन्यवाद।